चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक, जेपी नड्डा लेंगे महासचिवों की बैठक। चुनाव के बाद हो रही बीजेपी महासचिवों की बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेपी नड्डा लेंगे महासचिवों की बड़ी बैठक। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में, इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। और ऐसे में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी महासचिवों की ये बैठक। बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक, जेपी नड्डा लेंगे महासचिवों की बैठक। चुनाव के बाद हो रही बीजेपी महासचिवों की ये बड़ी बैठक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में जेपी नड्डा महासचिवों की बड़ी बैठक लेंगे, तो ये बैठक चुनाव के बाद कितनी महत्वपूर्ण? चुनावी नतीजे आएंगे 23 तारीख को और उससे पहले हलचल बढ़ी हुई है। लगातार बैठकों के दौर देखने को मिल रहे हैं इस कड़ी में, जबकि महत्वपूर्ण महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के साथ ही कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे घोषित होने हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से महासचिवों पदाधिकारियों की, ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रणनीतिक तौर पर जो आगे की रणनीति है उस पर समीक्षा होनी है, फीडबैक लिया जाना है, साथ ही जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दे रही हैं उन पर विचार विमर्श करना है, साथ ही आगे संसद का शीतकालीन सत्र भी आ रहा है, उससे पहले एक रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ही मानी जा रही है, तो कई मायनों में अहम रहने वाली है। और अमूमन जब भी राज्यों के रिजल्ट आते हैं उससे पहले महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाती है और इस कड़ी में ये बैठक जोड़कर देखी जा रही है। तो इसमें न सिर्फ महासचिव जो कि राज्य के चुनावी मुकाबले में सक्रिय रही हैं और निश्चित तौर पर उनकी रिपोर्ट का आकलन, जो राज्य के इकाई है उसका फीडबैक, उसके आधार पर आगे की रणनीति का मंथन इस बैठक का एजेंडा बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन खास बात यह कि महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबले के बीच जो करप्शन भ्रष्टाचार का मुद्दा और उसमें बीजेपी पदाधिकारी उसमें कथित तौर पर वीडियो में नजर आए, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप चल रही है। आज राहुल गांधी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो उससे पहले अगर देखें तो लगातार बैठकों के दौर देखने को मिल रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ, जो कि सीएम पद के दावेदार माने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हलचल बढ़ी हुई है। झारखंड में भी बैठकों के दौर जारी है, चुनाव नतीजों से पहले ये जो हलचल बढ़ी हुई है ये इस मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि नतीजों से पहले निश्चित तौर पर जो फीडबैक लिए जाते हैं, जो आकलन किया जाता है, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती है, उस लिहाज से लगातार बैठ के देखने को मिलेगी। इस कड़ी में बीजेपी की भी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है जो जेपी नड्डा महासचिवों की बैठक लेंगे। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, जिस तरीके से विरोधी आक्रमक हैं और खास तौर से बीजेपी पदाधिकारी जो कि महासचिव हैं विनोद तावड़े, उनका वीडियो वायरल होने के बाद से ही उन्होंने लगातार हमले बोले हैं, लेकिन बिटकॉइन का इशू और एक वीडियो वायरल हुआ कथित तौर पर सुप्रिया सुले जो एनसीपी शरद पवार गुट की नेता है, जो कि महाराष्ट्र में आघाड़ी गठजोड़ है उसकी नेता, एक प्रमुख नेता मानी जाती है, उसके आधार पर बीजेपी आक्रमक हो गई है। लेकिन इसको एक नए सिरे से नई लड़ाई के तौर पर देखा गया, इसका पलटवार माना गया, तो ये मुद्दा गरमाया हुआ है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक तरफ ईडी की छापेमारी हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर जो सुप्रिया सुले के ऑडियो प्रकरण से जुड़ा है, दूसरी तरफ जो कार्रवाई है जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और इसी को लेकर आज एक नए सिरे से हमला बोला जाएगा ये कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप आगे बढ़ेंगे, संसद के सत्र से पहले नई लड़ाई देखने को मिलेगी ये कहा जा रहा है, और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजरें रहेंगी, उसके पहले बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर आगे की महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा होनी है, नतीजों
की समीक्षा खासतौर से और उसको लेकर आगे का फीडबैक, ये तमाम इस बैठक के एजेंडे से जुड़े हुए मुद्दे बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैठक के जो परिणाम है उन पर नजरें लगी हैं और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।